नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के इस खास शो क्रिकेट स्पेशल में। मैं हूं संजय बनर्जी और मेरे साथ हमेशा की तरह वो मशहूर तिकड़ी जिसका आपको इंतजार रहता है, मैं तारुफ कराऊं। सबसे पहले मेरी बाई ओर बैठे हुए हैं सुनील गुप्ता साहब, उसके बाद अशोक मल्होत्रा जी और प्रकाश वाकनकर। आप तीनों विभूतियों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संजय। नमस्कार। और बाकी परिचय की जरूरत नहीं है, सुनील गुप्ता जी को आप जानते हैं कि वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और उनके लिए कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें उन्होंने महारत हासिल नहीं की हो। प्रकाश वाकनकर एक कॉरपोरेट जगत का एक बड़ा नाम है और इसके अलावा क्रिकेट कमेंट्री में पूरी दुनिया में जो भी बेहतरीन स्टेशन हैं वहां पर आप उन्हें सुन सकते हैं। और हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई अशोक मल्होत्रा जी, भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा जबरदस्त नाम जिसे आप सब लोग जानते हैं, फॉर्मर सेलेक्टर रहे हैं, फॉर्मर कोच रहे हैं टीम इंडिया के, और हमारे पास मौका है भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर चर्चा का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सबसे नजदीक बैठे सुनील भाई से। सुनील जी, भारत की शिकस्त और न्यूजीलैंड का पहला विश्व कप जीतना, उन्होंने एक आईसीसी ट्रॉफी जीती है लेकिन वर्ल्ड कप पहला जीता है और वो भी टेस्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साथ उन्होंने शुरुआत की है। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि 1999 में नैरोबी में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उन्होंने फाइनल जीता, और फाइनल में उन्होंने किसको हराया, आई विल नॉट से, और आप भी नहीं बोलेंगे, बट हमारे सुनने वाले जान जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था अपने पिछले प्रोग्राम में कि तीन इक्के हैं न्यूजीलैंड के पास और हमारे पास एक इक्का है, वो है हौसला, वो है जज्बात। बट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, एज दे से इन इंग्लिश, दैट बलून हैज बीन प्रिक्ड, और जो हौसला था, जो जज्बात थे, क्योंकि एक चीज आप जाने, और बहुत लोगों ने मुझको व्हाट्सएप किए हैं जो हमारे मित्र हैं वो जानते हैं कि हम कॉमेंट्री कर रहे थे या हम क्रिकेट के बारे में अच्छी बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये 5-6 दिन का कॉन्टेस्ट नहीं था, ये 4 दिन से पहले ही, अगर आप देखें जितना प्ले हुआ, ये खत्म हुआ। तो यानी कि 4 दिन में, और 4 दिन से कम में, न्यूजीलैंड ने हमको हराया। जैसे आपने बोला, शिकस्त थी, और मैं कह रहा हूँ भारी शिकस्त थी। और ये शिकस्त की बात नहीं है और कि वो जीते और हम हारे, और मैंने कॉमेंट्री भी बोला था, आप लोगों से बोला था, प्रकाश जी से बोला था, मैं अशोक से बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट दैट वी लॉस्ट, इट इज द मैनर इन विच वी लॉस्ट। और मैं बात करूंगा बाद में कि मेरे हिसाब से क्या क्या रीजंस थे, बट आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड सम अप, कि जो सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हम किस तरह हारे, और वो हमें बहुत ही बुरा लगा। बिल्कुल, और इस मुकाबले को सही कहा जाए तो भारत थोड़ी अगर मेहनत करता तो शायद ड्रॉ किया जा सकता था, लेकिन इस तरह से हारना थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर था। प्रकाश भाई, न्यूजीलैंड को बेहतर खेल की बधाई देना चाहेंगे? निश्चित रूप से। आई मीन, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला, वो डिजर्विंग विनर्स रहे, लेकिन मैं इंतजार करना चाहूंगा गुप्ता जी की अगली टिप्पणियों का, ये समझने के लिए कि किस तरह से हमने भारी शिकस्त खाई, फिर हो सके अगर मेरी बुद्धि में कुछ होगा तो जवाब दूंगा। एक मिनट, प्रकाश, सॉरी, मैं अभी आना चाहता हूँ कि जवाब की बात नहीं है, मैंने जवाब आपसे नहीं मांगा, मैंने प्रश्न नहीं दे सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन किया मैंने, एक ऑब्जर्वेशन, मैं भी ऑब्जर्वेशन, चलिए ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन करिए, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन करिए इसके बारे में। आप मेरी ऑब्जर्वेशन को नहीं माने तो नहीं माने, आप अपनी वो अलग बात, मानना ना मानना बात ही नहीं। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। भारत की जो हार है वो जाहिर है थोड़ी सी करारी तो लगी है। अशोक जी, क्या वजह है? आज विराट कोहली का एक स्टेटमेंट आया है कि ये जो फाइनल टेस्ट सीरीज है वो 3 मैचेस की होनी चाहिए। विराट कोहली ने फाइनल हारने के बाद ये स्टेटमेंट दिया है, रवि शास्त्री ने उससे पहले ये बात कही थी, आपका क्या नजरिया है? देखिए, अगर आपको याद हो कि पिछला जो प्रोग्राम हुआ था उसमें सुनील जी ने कहा था कि हम स्लो स्टार्टर हैं, हम पहला मैच हारते हैं, तो शायद इसके चलते है कि अगर बेस्ट 3 होता तो शायद हम जीत जाते,
लेकिन परेशानी ये है कि ये कहना आसान है, करना थोड़ा कठिन है। जिस तरह का आईसीसी का कैलेंडर बनता है उसमें गुंजाइश नहीं, सबसे बड़ी बात है। और दोस्त ओवर पीरियड ऑफ टू इयर्स आप ये टेस्ट चैंपियनशिप खेलते हैं, उसके बाद फिर आपको अगर एक महीना उसको फैसला करने में लगेगा तो फिर वो काफी लंबा समय। और चाहे आज का जो दौर है, आज का जो क्रिकेट का जो नजरिया है, वो इसको किसी को रास नहीं आने वाला। थ्री बेस्ट ऑफ थ्री शायद जायज नहीं, हालांकि प्रैक्टिकल कह सकते हैं लेकिन जायज नहीं है जिस तरह का कैलेंडर है। और दूसरी बात में अगर मैं संजय जी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो बल्लेबाजी एक बार फिर फिसड्डी साबित हुई। मैं वही बात में उस समय मैंने कही थी कि हमारे ज्यादा स्ट्रोक प्लेयर, आप चेतेश्वर पुजारा पे निर्भर कर सकते हैं या अजिंक्य रहाणे पे जो फंस कर खेल सकते हैं। शुभमन गिल का अभी तक किसी को भरोसा नहीं, पिछले 7 टेस्ट मैच में 12 के औसत से रन बने। रोहित शर्मा अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लैंड। अजिंक्य रहाणे काफी समय से एक शतक के बाद फिर वो टाइम टैचेस दिखाई दे रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट कोहली को 45 मैच हो गए हैं शतक लगाए। और फिर ऋषभ पंत से आप इस तरह की मूविंग कंडीशन पर ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की अपेक्षा नहीं कर, क्योंकि मेरे लिए अगर मैच हमने हारा है तो ऋषभ पंत ने, हो सकता है उनका अपना नजरिया, अपना खेलने का तरीका है, अपनी शैली है, लेकिन वो उस समय बनता नहीं था। यू नो, यो हाराकिरी करनी उस समय नहीं बनती थी, क्योंकि आप और 25-30 रन बना देते, दूसरे छोर पर जडेजा ठीक खेल रहे थे, या अगर आउट भी हो गए तो आपको अपने पिछले बल्लेबाजों के साथ खेलना आना चाहिए। तो शायद वो शायद एक ड्रॉबैक हुआ। लेकिन एक बात तय है कि उनकी गेंदबाजी, जो स्विंग गेंदबाजी है, ज्यादा कारगर साबित हुई, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी। और हमारी जो सीम गेंदबाजी है, हिट करके मूव करने वाली, वो शायद उतनी कारगर साबित नहीं जितनी न्यूजीलैंड की। करेक्ट करेक्ट। अब प्रकाश भाई, एक पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है कि भारत ने अपने जो फर्स्ट 11 है उसकी अनाउंसमेंट 2 दिन पहले कर दी थी, लेकिन टॉस होने तक वो लिस्ट चेंज की जा सकती थी। वहां पर क्या हमसे चूक हुई है रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन को दोनों को खिलाना? नहीं संजय, मुश्किल है। मीन उस दिन भी हमने जब बात करी थी तो इस पे बात हुई थी कि आप क्या कर सकते थे, मतलब या तो अश्विन या जडेजा में से एक को आप ड्रॉप करके एक और फास्ट बॉलर खिलाते या एक बैट्समैन और खिलाते, यही दो ऑप्शन थे। और शायद उसको मद्देनजर रखते हुए जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसके बेसिस पे टीम ने ये सोचा होगा कि हमें ऑलराउंडर चाहिए, और इसलिए उन्होंने वो टीम रखी। अगर वो उसकी जगह मानिए सिराज को खिला लेते या क्या नाम विहारी को खिला लेते तो कोई, मुझे नहीं लगता आसमान गिर जाता या नतीजा बदल जाता, मुझे नहीं लगता पर्सनली। एंड ऑफ द डे एक टीम होती है, उसकी एक मैनेजमेंट होती है, वो एक डिसीजन लेती है। जब वो जीतते हैं तो वो डिसीजन सही कहलाता है, उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आदमी कर सकता है। और जब वो हारते हैं तो वो डिसीजन क्वेश्चन होता है, इसमें कोई बड़ी बात या नई बात है नहीं। अब जब इंग्लैंड हारा है, एक ही टेस्ट हारा 2 में से, दूसरा भी हार सकता था, तब वहां पे क्या बोला गया कि भाई स्टोक्स नहीं था, फलाना नहीं था, आज आर्चर फिट नहीं था, ये बातें होती हैं। तो ये व्हाट एंड इफ एंड बट का खेल नहीं है। मेरा बॉटम लाइन हमेशा से ये रहा है, हम लोग हिंदुस्तान में ये कम कहते हैं कि हमारे सामने वाला अच्छा खेला हमसे, ज्यादा हम ये कहते हैं कि हम खेले खराब। और ये कहीं ना कहीं हमें एज अ एक देश, एक सोसाइटी सोचने वाली बात है कि हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है, एज अ कंट्री मैं बोल रहा हूं, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा हूं, कि सामने वाला हमसे अच्छा खेला, उन्होंने कंडीशंस पे अच्छा खेला, उनके पास जैसे अशोक जी ने कहा स्विंग का जो स्किल था वो उन्होंने ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूट किया, उनके बैट्समैन ने, इवन जो नीचे वाले बैट्समैन थे उन्होंने बेशकीमती रन जोड़े, और काइल जेमिसन ने अपनी फेरी टेल जो है उसको जारी रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, एक बात संजय जी, एक थोड़ा सा, मैं जो प्रकाश ने कहा है, हमारे जो करोड़ों लोग हैं ना, क्रिकेट एक धर्म, जब हम खेलते थे तब जीतना एक आदत नहीं, अब भारतीय टीम से अपेक्षा रहती, क्योंकि करोड़ों लोग, क्योंकि एक धर्म है,
क्योंकि पहले हॉकी थी, तब हॉकी में हारते थे तो तकलीफ होती, उसी तरह आप जब क्रिकेट में हारते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट अब एक धर्म बन गया, हर आदमी एक्सपर्ट है और हर आदमी इस पे अपनी अपनी कुछ ना कुछ टिप्पणी करना चाहता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिसके चलते और करोड़ों लोगों को खुशी प्रदान करती है भारतीय टीम, और जब हारते हैं तो निराशा, बस इतना ही फर्क। बिल्कुल ठीक बात है, क्रिकेट को कम से कम भारत में या दक्षिण एशियाई देशों में एकदम अलग नजरिए से देखा जाता है, और ये लोगों के सुख दुख की भी वजह है। अगर भारत हारता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, और अगर जीतता है तो जश्न होता है। सुनील जी, क्या लगता है कि टीम इंडिया, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पूरी तरह से तैयार नहीं थी इस मैच के लिए, और बिना तैयारी के उन्हें उतरना पड़ा है, वक्त की वजह से और तमाम चीजों की वजह से? देखिए, दैट इज लाइफ, वो लाइफ है, आपने एक्सेप्ट किया, हम ऐसे खेलेंगे तो आप खेलेंगे, ठीक है। तो न्यूजीलैंड, मैंने पहले भी बोला, वो बेटर प्रिपेयर्ड है, वो इंग्लैंड में है वगैरह, बट मैं जो प्रकाश जी ने बोला, जो मैंने कहा वो अलग नहीं है। मैंने कहा ये नहीं कि हम हारे, यानी कि वो बेहतर खेले, उसी का मतलब है वो बेहतर खेले इसलिए वो जीते। कहा ये शर्म की बात मेरे लिए है, उनके लिए नहीं होगी, कि हम कैसे हारे। मैं आपको दो तीन स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। पहली इनिंग्स में हमने 7 विकेट खोए 71 रन, और सेकेंड इनिंग्स में बेस्ट बैटिंग डे पे हमने 8 विकेट खोए 106 रन। थोड़ा सोचिए, ये आप बोलिए दोनों इनिंग्स में टेस्ट मैच में, और लास्ट डे जब आप ड्रॉ कर सकते थे, अगर आप वो सर नीचा करके आप ग्राफ्ट कर सकते थे जैसे टेस्ट मैच उनको करने चाहिए, वो नहीं हुआ, और बिल्कुल मुझे बहुत दर्द हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए, कि क्यों न्यूजीलैंड हमसे बेहतर खेलता है। और ये बात ये इस मैच की नहीं है, मैंने आपको एक थोड़ा एक स्निपेट भेजा इंडियन एक्सप्रेस से आज, कि ये फाइनल सेमीफाइनल्स में जो इंडिया की कहानी है 2014 से वो चलती आई है, वेदर चैंपियंस ट्रॉफी, वेदर वर्ल्ड कप, वेदर नाउ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, जो भी है। और मैं रीजन देना चाहता हूं कि देखिए, विनिंग एट होम इज विनिंग एट होम। आप जैसे अहमदाबाद में आप खेले रैंक टर्नर पे, मैंने उस टाइम भी बोला था, हमने प्रोग्राम किया था कि कैप्टनसी क्या रोल है उसमें, आप दो स्पिनर लगाओ, आपके ये कैप्टन कि हम दो शॉर्ट लेग लगाएं या एक शॉर्ट लेग लगाए या दो स्लिपर गली लगाए, ये आपकी कैप्टनसी है। और मैं ये कह रहा हूं, और मैंने यहाँ नोट किया है संजय जी, आई हैव नोटेड डाउन टुडे बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम, लेट मी टेल यू, मैंने कहा वी हैव बीन, आई एम सॉरी मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई से इट लाइक दिस, वी वर आउट मार्शल्ड, we were out thought, we were out maneuvered, we were out desired, jo body language thi wo body language kisi ko aap bolte sikha nahi sakte, wo body language honi chahiye, aap final mein khel rahe hain, aap karodon logon ko kya dikha rahe hain ki hamari body language kaisi hai, right, we were out body languaged, that is the point that I want to make it, ki jo desire thi wo humko नहीं दिखी। डिजायर ये नहीं होता कि हम एक विकेट ले और हम ये वो और वे, केन विलियमसन ने ऐसे किया, कभी नहीं किया। और लास्टली, कैप्टनसी का क्या रोल होता है कि कौन से बॉलर्स, कौन से फील्ड, कौन से टाइम, और आपने देखा, हमने देखा केन विलियमसन की जो कैप्टनसी का जो मैना होता है कि हम फील्ड कैसे सजाएं, किसके लिए कैसे सजाएं, जहां फ्लाई स्लिप लगाए मोहम्मद शमी अगली बॉल पे आउट हुए, जहां स्क्वेयर लेग लगाए अगली बॉल पे रहाणे आउट हुए, आप सोचिए, that is captaincy and that is what we were lacking and we must lack, because agar hum harte hain humko introspection karna padta hai, of course they played well, I take off my hat to them, but agar hum introspect nahi karenge, bole ha wo theek khele hum theek nahi khele, that is wrong। प्रकाश, कप्तानी का जिक्र चला है और शायद मुझे लगता है कि कप्तानी में किस्मत का भी साथ है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों की अगर बल्ले से गेंद निकली तो वो सीधे कई बार पकड़ दी गई, लेकिन न्यूजीलैंड के मामले में उस तरह का चांस नहीं हुआ। तो ये फील्ड प्लेसमेंट्स की बात है या किस्मत की बात है? देखिए, दोनों चीजें हैं। आई थिंक टैक्टिकली जिस तरह से वैगनर ने अटैक किया या जिस तरह से जेमिसन ने और साउदी ने बॉलिंग करी, उसमें जरूर कोई टैक्टिक्स है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर 7 बार विलियमसन बीट हुआ तो 8 बार कोई और बैट्समैन बीट हुआ तो भाई उसका कैच नहीं, स्निक नहीं लगा या एज नहीं लगा, तो स्लिप में तो कोई कम फील्डर नहीं थे, ऐसा तो है नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना संजय,
जिस तरह से आदमी जिस नजरिए से देखना चाहता है उस नजरिए से देखा जाएगा। अब अगर भारत का प्रशासन, और ये मैं एक सवाल एंड में अशोक जी से करना चाहूंगा, लेकिन अगर भारत का प्रशासन इस चीज को उस तरह से देखेगा जिस तरह से सुनील जी ने कहा है, तो एक तरह के रिजल्ट्स आएंगे। अगर कोई दूसरी तरीके से देखेगा तो किसी दूसरी तरह के रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। तो ये नजरिया है। हम में से अशोक जी को छोड़ के, और मैं अपनी बात कर सकता हूं, किसी और के बारे में नहीं बोल सकता, हमने तो भैया इतनी क्रिकेट इस लेवल की खेली नहीं कि इतना ज्ञान और इतनी जानकारी हो। जो थोड़ी बहुत है उसमें मैं अभी भी मेंटेन करता हूं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कि वो जो भी आउट और उसके आगे के जितने भी अंग्रेजी लफ्ज थे, कुछ समझ में आए कुछ नहीं आए, लेकिन उसमें गलत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जैसे सुनील जी ने खुद कहा, एक नजरिया है जी, और नजरिए की कीमत अपनी जगह है, राइट। तो एंड ऑफ द डे मैं ये मानता हूं कि जो टीम अच्छा खेली वो जीती, कंडीशंस का जो असर था वो था। मैं अशोक जी से एक सवाल करना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो। जरूर जरूर जरूर। मैं ये नहीं समझ पाया अशोक जी के दूसरे इनिंग का मुझे फिगर याद नहीं है, पहले इनिंग में 26 एक्स्ट्रा थे, उसमें से 14 या 16 लेग बाइज थे। तो क्या ये इस वजह से होता है कि बॉल की डायरेक्शन सॉर्ट ऑफ लेग लाइन स्टंप की लाइन पे चली जाती है और वहां पे आपका फील्डर नहीं है, इस वजह से होता है? क्योंकि न्यूजीलैंड के केस में लेग बाइज ना के बराबर थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि पैड पे बॉल नहीं लगी या बदन पे बॉल नहीं लगी। फील्डर और हमारी फाइन लेग पे जितनी बाउंड्रीज गई, चाहे वो लेग बाय हो या कुछ और हो, ये मानसिकता या ये टैक्टिकली क्या इसमें आपने देखा, या मैं समझना चाहता हूं अपनी समझ के लिए। देखिए प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी हमने शमी का रिकॉर्ड सुना कि उन्होंने 200 पिछले सीरीज में 270 बार बैट को बीट किया। 270 बार अगर आप बैट बीट कर रहे हैं तो फिर आपकी लेंथ में गड़बड़ है, क्योंकि आपका जो लेंथ है वो जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ है जो बैट से थोड़ा सा निकल जाता है। बीट जरूर हो रहा है लेकिन किनारा नहीं लग रहा, इसके लिए आपको थोड़ा ऊपर आना होता है। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें, वो लगातार एक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। जो आपने जेमिसन की बात की, जेमिसन एक तो वैसे ही 6'8" के हैं और ऐसे लंबे आदमी के विरुद्ध खेलना आसान नहीं होता, और फिर दोनों तरफ अगर स्विंग करता है तो आसान नहीं। और उन्होंने अपनी, अगर आप देखिए, डिसिप्लिन मेंटेन किया। जैसे आपने कप्तानी की बात की, उसी तरह उन्होंने एक स्ट्रैटेजी के साथ वो खेले। उनको पता था कि विराट कोहली को हमने ऑफ स्टंप पे ही डालना और एक आधा बॉल अंदर डालेंगे। और जो भारतीय गेंदबाज है, जब वो अंदर डालते हैं तो कंधे का इस्तेमाल करते हैं, जो शायद वो मिडिल स्टंप से करने की कोशिश करते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की बात करें वो ऑफ स्टंप से लाने की कोशिश करते हैं। तो वो फर्क था जिसके चलते उन्होंने ज्यादा बाइज नहीं दी। और हम गति, और फिर वो 130 वाले गेंदबाज, हम 140 प्लस वाले गेंदबाज है, जिसका फर्क पड़ता है। तो वो शायद एक ऐसी चीज थी। और फिर वो स्विंग वाले गेंदबाज थे और उनको ऐसी कंडीशन में गेंदबाजी करनी आती, जबकि हमारे बल्ले गेंदबाज वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, लेकिन वो शायद हिट करके करते हैं और वो शायद बल्लेबाज को, जैसे विलियमसन लगातार बैकफुट पर खेलते चले गए, सर पॉपिंग क्रीज में खेलते चले गए, क्योंकि आपने मौका उनको दिया, आपने कभी उनको ड्राइव के लिए मौका ही नहीं दिया, कोशिश नहीं की। क्योंकि मेरे को एक कपिल देव का याद है कि अगर एक आधा चौका लग भी जाता है लेकिन वो स्विंग से विकेट मिलने की पूरी संभावना रहती है, उसका हमने लाभ नहीं लिया, मेरे को ऐसा लगता है। और ये शायद बॉलिंग कोच ज्यादा समझा सकते। बिल्कुल ठीक बात है, प्रकाश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि फाइन लेग पर काफी बाउंड्रीज गई और उन बाउंड्रीज के निकलने के बावजूद हमने वहां पर फील्डर नहीं रखा। और दूसरी बात कि अगर हमारे बॉलर्स मिडिल स्टंप पर गेंद डाल करके उसको थोड़ा लेग की तरफ निकाल रहे थे या निकाली उन्होंने, तो वहां पर कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। अशोक जी, देखिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जब आप आक्रामक फील्ड सजाते हैं, क्योंकि जब आप ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हैं तो जो फाइन लेग वो थोड़ा स्क्वेयर हो जाता है, क्योंकि आपकी जो आप कप्तान की ये कोशिश होती है कि फाइन लेग पे बॉल ना जाए, लेग साइड पे ना जाए, जिसके चलते जो फाइन लेग है वो थोड़ा स्क्वेयर लेग होता है। और यही न्यूजीलैंड की टीम भी कर रही थी, लेकिन भारतीय टीम वो जो गति से गेंदबाजी कर रहे थे और मिडिल लेग पे जो आ रही थी वो
जरा सा बल्ले से लग के या पैड से लग के वो चार रन जा रहे थे। और प्रकाश जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि कम से कम 25-30 रन हमने दूसरे इनिंग 139 के स्कोर में भी 25-30 रन हमने लेग स्टंप पे फाइन लेग पे गवाए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लाइन लेंथ की थोड़ी सी परेशानी थी, क्योंकि जब गेंदबाज अकॉर्डिंग टू फील्ड नहीं करता तो कप्तान बड़ा बेवकूफ सा दिखाई देता, यू नो जैसे भी फील्डिंग सजा ले, क्योंकि गेंदबाज अगर अपनी फील्डिंग के अनुसार गेंदबाजी करता है तो कप्तान अच्छा दिखाई देता, लेकिन अगर वो उसके विपरीत करता है तो फिर कप्तान बहुत साधारण दिखाई देता। बिल्कुल ठीक, अशोक जी ने गेंदबाजों का जिक्र किया, सुनील भाई भारत के जो स्पिनर्स हैं उनका तो उनकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन जो तीन पेसर्स हैं जिनको शामिल किया गया, ईशांत, बुमराह और शमी, आपको लगता है कि तीनों अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं और जो पांच टेस्ट मैचेस की सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ उनमें इन्हीं तीनों को जारी रखना चाहिए या कोई परिवर्तन आप देखना चाहते हैं? देखिए मैं बिल्कुल परिवर्तन चाहता हूं, अगर वो सीख नहीं सकते, ये एक दो टेस्ट खेल के नहीं आए हैं, ईशांत शर्मा 100 टेस्ट खेल के आए और तीनों में से उन्होंने ज्यादा पिचअप किया, ये आपने देखा होगा, उनको ज्यादा स्विंग मिला, उनको ज्यादा मूवमेंट मिली, उनकी पेस नहीं है बट वो स्टेडी थे और ये हम कह रहे थे कि वो स्टेडी थे, वो रन नहीं दे रहे थे और तीन विकेट भी लिए उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में। बुमराह नहीं सीखे, अब ये भी है सही बात कि तीनों टेस्ट क्रिकेट में काफी दिनों से नहीं खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में ईशांत नहीं गए, मोहम्मद शमी फर्स्ट टेस्ट के बाद इंजर हो गए, बुमराह सेकंड टेस्ट के बाद इंजर हो गए, इसके बाद उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट हुआ, वो इंडिया में नहीं खेले इंग्लैंड के खिलाफ, तो आप ये सोचिए कि एक तो दे वर अंडर प्रिपेयर्ड, पर फिर भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो यार मैंने तो एक साल के लिए एग्जाम नहीं लिखा तो मैं ये एग्जाम ऐसे ही लिख लूंगा, नहीं आप प्रिपेयर करते हैं, आप सोचते हैं, आपका कोच है वहां, आपका बॉलिंग कोच है वहां, आप इंग्लैंड में जा रहे हैं, आप इंग्लैंड को देख रहे हैं, आपने न्यूजीलैंड वो थे वहां जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड में खेल रहे थे, तो आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं? ठीक है, एक बिल्कुल अशोक जी ने सही बात बोली कि आप अगर आप स्विंग करें आउटसाइड फुल लेंथ में तो एक दो चौके भी जा सकते हैं पर स्निक भी आ सकते हैं, इसलिए स्निक नहीं आ रहे थे। और अगर आप देखें जो वैगन व्हील होते हैं ये बैट्समैन के, कितने रन उन्होंने इन द वी बनाए, जैसे डाउन द ग्राउंड मिड ऑन मिड ऑफ में, और कितने स्क्वायर ऑफ द विकेट आप देख लीजिए अपने आप, और कितने बिहाइंड द विकेट, यही बताएगा आपको कि हम पिच कहाँ पिच कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा रस्टी थे, हो गए, सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, वही हो रहा था। सो यही मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते हैं बट आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फाइनल में खेल रहे हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सीख नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस ही बनता है। इयन बिशप ने भी कमेंट्री बोला कि प्रैक्टिस ही बनता है, सब बोल रहे थे कि दे आर पिचिंग टू शॉर्ट, दे आर पिचिंग टू, तो देखिए देखिए ये मेंटालिटी की बात है। और ये मुझको, मैं ये जानना चाहता हूं कि टीम को कितना बुरा लगा, कितना बुरा लगा कि ये हम हारे हैं, हम ड्रॉ कर सकते थे, ये नहीं कि हम जीत सकते थे, वो दूसरी बात है, बट उनके दिल में क्या हुआ कि वो सोचा हाँ ये हो गया अब 6 हफ्तों की हमारी छुट्टी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और ये हमको कभी पता नहीं चलेगा, वो बोलेंगे हाँ हमें बुरा लगा बट कितना अंदर से बुरा लगा ये मुझको जानना, मैं ये जानना। संजय जी एक छोटी सी बात इसमें ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया से 2-1 जीत के आए थे, हम शायद सब भूल गए हैं कि वो जो सिडनी का टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था अश्विन और हनुमा विहारी ने, एक पांव पे और एक हाथ, जिन्होंने वो ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन शायद यहां दिखाई नहीं, क्योंकि आप सुनील जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ओके उन्होंने अच्छा खेला लेकिन ऐसा नहीं होता कि बॉक्सर अच्छे पंच मार रहा है वो नॉकआउट कर ही देगा आपको, आप अगर अपने डिफेंड भी करते हैं तो फिर आप ये वापस आ सकते हैं, बाउट में वापस आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा और मजबूती दिखानी चाहिए थी। और मैं ऋषभ पंत की शॉट से बहुत निराश, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनका अपनी शैली, लेकिन इस तरह का शॉट बिल्कुल भी नहीं मिलता जब आप एक टेस्ट मैच बचाने की जीतने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर बचाने से जॉइंट चैंपियन हो सकते। अब आप वो न्यूजीलैंड चैंपियन है, आप नंबर 2 है और नंबर 2 को कोई याद नहीं, तो कहीं ना कहीं एक मौका था जॉइंट चैंपियन होने का जो आपने शायद खराब बल्लेबाजी के लिए, मेरे को यही था कि दे शुड हैव टेकन अ लीफ आउट ऑफ अश्विन एंड हनुमा विहारीज बुक एंड डग डीप, एंड टेस्ट क्रिकेट का नाम ही ये है कि आपको जज्बे के साथ खेलना होता है, जोश के साथ खेलना, हिम्मत के साथ खेलना होता है, गट्स के साथ खेलना होता है। अशोक जी ने प्रकाश भाई जैसा जिक्र किया कि आपकी एक स्वाभाविक शैली है
लेकिन टीम के लिए, टीम के इंटरेस्ट के लिए आपको अपनी स्वाभाविक शैली से कंप्रोमाइज कई बार करना पड़ता है। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन जिस तरह से रन्स बनाए वो सचमुच बहुत अच्छे नहीं दिखे। और इसके बावजूद एक बात और मैं कहूंगा, जिसका अशोक जी की बात से मैं ले रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इंडिया की बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया, अश्विन का जिक्र किया, हनुमा विहारी का जिक्र किया, ये भी कहा कि किस तरह से इंजरी के बावजूद वो जीत के लिए खेलते रहे, लेकिन यहां पर वो मिसिंग था। क्या मिसिंग था और क्यों मिसिंग था? संजय, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इस बात से कतई इत्तफाक नहीं रखता दो चीजों से। बुरा लगा नहीं लगा, ये बात सही है सुनील की, कि नहीं पता चलेगा हमको, क्योंकि किसी के दिल में या दिमाग में तो नहीं घुस सकते। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि अब चलो 6 हफ्ते की छुट्टी है, यही एक फोकस रहेगा, हो गया मैच, चलो हमने खेल लिया, हो गया। मैं नहीं मानता पर्सनली। दूसरी बात, आप इससे अगेन एग्री कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि वो जो कंडीशंस थी पहले 5 दिन, दो दो स्वेटर्स, और अशोक जी खेले हैं उस टाइप के मौसम में, बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आया था आज। भैया जो मुझे बताइए, जो फैंस थे न्यूजीलैंड के, वो किस तरह से आखिरी दिन धूप में थे, और जो इंडियन सपोर्टर्स थे, हालांकि उनमें से कई वहां रहते होंगे, उनमें से तो किसी ने कमीज उतारी हुई मैंने नहीं देखी, हालांकि जीत या हार की बात नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि एक स्वाभाविक वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। तो ये मैं कभी भी नहीं मान सकता, और हो सकता मैं बेवकूफ हूं, जिस इंसान ने भारत का जर्सी पहना है, देश का टोपी उसके सर पे है, वो आदमी मखौल में, या मैं तो राजा हूं मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, इस एटीट्यूड से कोई मैदान में उतरता है और अपनी पूरी कोशिश नहीं करता है, ये मैं नहीं मान सकता। दो बातें और बोलूंगा, क्या रविंद्र जडेजा ने एटीट्यूड में हनुमा विहारी और अश्विन से कुछ कम दिखाया? कितने बॉडी ब्लोज लिए? हाँ, ये बात और है कि वैगनर ने उनको आउटथिंक किया और उनको एक बॉल ऐसी डाली जिसपे उनको शायद लगा कि शायद थोड़ा मैं रन ले सकूं और आउट हो। अजिंक्य रहाणे ऑन द डाउन द लेग साइड ग्लव लग के आउट हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एटीट्यूड से नहीं खेले या उनको बिलीफ नहीं था या ऐसा तो नहीं। इसका मतलब कतई नहीं था, लेकिन मैं और सुनील की दोनों की बातों में एक बात आई है, और मैं अगेन ये मेरा व्यू है, जरूरी नहीं है कि सही हो, मैं ये फंडामेंटली नहीं मान सकता कि कोई भी स्पोर्ट्समैन जब अपने देश को रिप्रेजेंट करता है तो अपनी काबिलियत से कम या अपनी पूरी कोशिश वो नहीं करता। बस मेरा यही पॉइंट। नहीं, प्रकाश जी ने जो बात की संजय जी बिल्कुल सही की, आई एग्री विद हिम। पर मेरा यही था कि जो ऋषभ पंत, देखिए कॉम्प्लेसेंट होना बड़ी आम बात है, आप जब टीम में सेटल हो जाते हो ना तो आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो। इससे पहले ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में क्यों अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि उनकी जान अटकी हुई थी, अब वो टीम का हिस्सा, टीम में सर्टेनिटी, टीम के सुपरस्टार, तो अब उनका खेलने का अंदाज। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आउट हो गए, उससे पहले भी उन्होंने आउट होने की इतनी बार कोशिश की, अब आप कदमों का इस्तेमाल करके आप थ्रू द लाइन मार रहे हो इंग्लैंड में ओवरकास्ट कंडीशन में जहां बॉल स्विंग कर रही है, तो ये तो संभव नहीं है। आप डॉन ब्रैडमैन तो हो नहीं, यू नो, हो सकता है कल के डॉन ब्रैडमैन हो लेकिन आज के तो नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं थोड़ा कई टीम मैनेजमेंट से, ड्रेसिंग रूम से किसी को ग्लव्स भेज के कम से कम, और ऐसा नहीं कि वो डिफेंस अच्छा नहीं करते, वो डिफेंस अच्छा करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदाज से खेलने की कोशिश कर रहे थे। और वो खेल को आप खेल को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आप जीत तो सकते नहीं लेकिन आप किस तरह ले जा रहे थे, मेरे को कम से कम उनकी अंदाजा, उनकी मानसिकता, उनकी शैली बिल्कुल समझ नहीं है। एक ही छोटा सा पॉइंट, आपको याद है, आपने देखा कि नहीं, लेकिन जब ऋषभ पंत ने पहली बार जेमिसन को डाउन द विकेट आके मारने की कोशिश की, मिस हो गया, तो रहाणे आए थे सामने और कमेंट्री पे संजय और मैं शायद थे, और रहाणे का जो एक्सप्रेशन था, शायद मैंने बोला भी है, संजय ने बोला कि स्कूल मास्टर जैसा होता है, वैसा था, लेकिन उसका शायद असर नहीं हुआ अशोक जी।
बिल्कुल मैंने नहीं देखा ये वाला। ऋषभ पंत शायद मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो युवा जोश ऐसा शायद उन्हें लग रहा था कि उस तरह के स्ट्रोक से वो टीम की नैया पार लगा देंगे, नहीं हो पाया, अलग बात है। एक सवाल और बनता है शुभमन गिल का, जहां पर मयंक अग्रवाल और केएल राहुल बैठे हुए हैं, वहां शुभमन गिल इस मुकाबले में शामिल थे, ठीक बात है। अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और अभी इसमें फाइनल में भी उन्होंने थोड़ा बहुत निराश ही किया है। अगले 5 टेस्ट मैचेस जो इंग्लैंड के खिलाफ होंगे, आपको लगता है कि मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की जगह बननी चाहिए सुनील जी? देखिए, मेरे ख्याल में दूसरे लोगों को चांस मिलना चाहिए। ये हम नहीं कह सकते कि वो युवा खिलाड़ी हैं तो उन्होंने एक दो टेस्ट फेल किए, वो होता है, वो डेफिनेटली होता है। आपको ये देखना चाहिए कि अब वो एक्सपीरियंस्ड है, आप ये नहीं कह सकते कि वो अब युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने दो वो खेले हैं टेस्ट मैच, 8-10 जो भी खेले उन्होंने, 5-6-7-8, ये आपको देखना है कि वो सीख रहे हैं और वो कैसे आउट हो रहे हैं, और अगर वो आप रेक्टिफाई कर सके। पहले इनिंग्स में क्या किया उन्होंने, पुश इट द बॉल, और वही जो अशोक जी ने कहा, एब्सोल्युटली वो बॉल आपको बीट करेगी, बट अगर शॉर्ट है वो एज को बीट करेगी, और इसलिए हमारे बैट्समैन निक कर रहे थे, उनके बैट्समैन निक नहीं कर रहे थे। तो पहले इनिंग्स में वही जो हमारा था ऑलवेज कि हम पुश करते हैं बॉल को, क्योंकि हम वी हैव ग्रोन अप इन दैट, यानी कि हम सीख नहीं रहे। और सेकंड, हम कैसे आउट हुए, LBW प्लेइंग अक्रॉस द लाइन। अब देखिए, ये दोनों चीज आप सोचिए, आप टेस्ट खेल रहे हैं, आपके 20-20 नहीं खेल रहे, आप स्कूल क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप टेस्ट क्रिकेट एक्ट में, यानी कि आपके पास कोई काबिलियत होनी चाहिए वो खेलने के लिए, सीखने से कि ये हो रहा है, मैंने देखा है फर्स्ट इनिंग्स में बॉल ऐसे आ रही है तो मैं ऐसे क्यों करूं, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि लोग जाते हैं और ये बस तमाशा है, फेयर है, नहीं, ऑब्वियसली जाते हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि उनकी काबिलियत कम है न्यूजीलैंड से, वो मैं मान सकता हूं, और मैं कह रहा हूं, और मैं सीधा कह रहा हूं, कैप्टनसी में हमारी काबिलियत कम थी। आई कैन टेल यू दिस नाउ व्हेदर यू एग्री विद मी ऑर नॉट। और लास्टली मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारे हमने इसकी जिक्र भी की इस बात इस कॉन्वर्सेशन में, कि यहाँ जो हमारा स्टाइल है, हम हीरो वर्शिप करते हैं, हीरो विराट कोहली जो भी है, जैसे ऋषभ पंत, अब वो हीरो हैं, एडवर्टाइजिंग में आते हैं, ये ठीक है, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्यूट आपको पैसे बनाने चाहिए अगर आप उसके उसके लायक हैं, बनने चाहिए, बट फिर आप हीरो से कुछ मांगते हैं, आपको इन रिटर्न कुछ मांगते हैं। मैं एक आपको वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, एक लाइन का, केन विलियमसन, और मैंने ये सुना BBC की कॉमेंट्री पे कि वो एलिवेटर में जा रहे थे नीचे, और जो एलिवेटर के जो जो अटेंडेंट होते हैं, उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा आप न्यूजीलैंड की टीम में हैं, जरा केन विलियमसन को मेरा हेलो कर दीजिएगा। दैट इज द डिफरेंस। अब आप सोचिए कि ये आदमी, आप आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज डिफरेंट, विराट कोहली वो है, वो उन्हीं की स्टाइल है, जैसे जिनके रहने बिल्कुल अलग है, फाइन, नो प्रॉब्लम, बट माय पॉइंट इज, फिर आपको आपसे रिजल्ट्स चाहिए, और फिर आप वी स्टार्ट, अशोक जी आपने कहा, जैसे मैंने कहा, वी स्टार्ट पुअरली, माई पॉइंट इज इन इंग्लैंड वी एंड पुअरली ऑल्सो, लास्ट टाइम वी लॉस्ट 4-1। तो आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल नॉट डू, आई होप नॉट दिस, बट वी मस्ट लर्न, संजय जी लास्ट थिंग आई विल से, वी मस्ट लर्न, इफ वी आर नॉट लर्निंग, इफ वो ही मिस्टेक्स कर रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि और संजय जी जो आपने शुभमन गिल की बात की, सी देयर इज डिफरेंट यार्डस्टिक फॉर डिफरेंट पीपल। मयंक अग्रवाल एक टेस्ट मैच फेल हो गए 1000 रन टेस्ट क्रिकेट में करने के बाद, आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर पे बिठा दिया, अब आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। जबकि शुभमन गिल को मैं कमेंटेटर्स को सुनता हूँ, मीडिया को देखता हूँ, सब ऐसे बात कर रहे हैं कि अगला सचिन तेंदुलकर है। भाईजान, प्रतिभा एक बात है, रन बनाने दूसरी बात। 7 टेस्ट मैच हो गए हैं, 7 टेस्ट मैच, पूरा जीवन हो जाता है 7 टेस्ट मैच नहीं खेलते। 7 टेस्ट मैच में 12 की औसत है शुभमन गिल, और कितने मौके देंगे आप? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मयंक अग्रवाल ने कौन सी गलती की। एक तो बेचारा ही रफ फिट आउट, 3 साल रन बनाता है। हमारे प्रोग्राम का समय अब यहीं पर समाप्त हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इजाजत नहीं देता कि हम आगे चर्चा करें, और निसंदेह न्यूजीलैंड हमसे बेहतर खेले और इसीलिए उन्होंने जीता। उनके पास एक कोई वर्ल्ड कप था नहीं, उन्होंने वो वर्ल्ड कप हासिल किया 2019 में, जिस तरह से उन्होंने मिस किया था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था उनके लिए। तो इसी नोट के साथ कि भारत ने इस पराजय से
इस शिकस्त से बहुत कुछ सीखा होगा और जाहिर है कि जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी इंग्लैंड के खिलाफ उसमें वो इन चीजों को अप्लाई करेंगे और टीम इंडिया बेहतर करेगी। आप सभी का, प्रकाश वाटिकर आपका, अशोक मल्होत्रा जी आपका और सुनील गुप्ता सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।